दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं कि आरएएस प्री 2018-2019 का नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें जो भी चीजें आपके लिए जरूरी है वो हम आपको सारी चीजें आपको यहीं पे बता देंगे। जैसे कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये कल ही आया है, लेकिन ये 12 अप्रैल 2018 से इसका फॉर्म भरा जाएगा और जो और चीजें हैं वो हम अब आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है आरएएस 2018 का। ये 2 अप्रैल 2018 को आ चुका है नोटिफिकेशन। इसमें टोटल पोस्ट जो कुल पद है वो 980 हैं, 980 पद हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें और भी चीजें हैं कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा, ये सब चीजें और सिलेबस का हम आपको यहाँ पे बता देंगे टोटल। देखिए, और अगली जो बात होती है सबके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो इसका एज जो है ये 1 जनवरी 2019 से लिया जाएगा। मिनिमम एज जो है ये 21 साल है, यहाँ पे देखिए 21 साल है, और मैक्सिमम एज 40 साल है। और जो भी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं राजस्थान में उनके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। और महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब कि 45 साल महिलाओं का हो गया। और अदर जो है पिछड़े वर्गों के लिए, पुरुष अगर पिछड़े वर्ग है राजस्थान के उनके लिए 5 साल है, महिलाएं अगर पिछड़े वर्ग की हैं तो उनके लिए 10 साल हम यहाँ पे छूट मिल रहा है। और जो छूटे हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मेंशन है सारा, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, तो ये देखिए 12 अप्रैल 2018 से शुरू हो रहा है, ये 11 मई 2018 तक चलेगा। और जिसको भी फॉर्म भर रहा है ये आप ऑनलाइन साइट पे जा सकते हैं, ये टाइप करके rpsc.rajasthan/gov.in/apply-online पे आप जाइए और फॉर्म को भर लीजिए। फ्रेंड्स, अब सिलेबस की बात आती है, जो सिलेक्शन है ये प्री एग्जाम और मेंस और फिर इंटरव्यू के बेस पे होता है। प्री जो एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। प्री इसमें एक ही पेपर होता है और सब एग्जाम में दो पेपर होते हैं, इसमें एक ही पेपर होता है। ये 200 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो आप जो भी तैयारी करेंगे उसमें आपको काफी सतर्क रहना होगा। ये जो 200 मार्क्स का पेपर होता है ये 3 घंटे का होता है और इसमें राजस्थान से रिलेटेड और मेनली आपका साइंस और जनरल एप्टीट्यूड और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। और इसमें अगर आपने राजस्थान के बारे में पढ़ लिया तो आपका निकलना श्योर शॉट कंफर्म है। और मेंस में भी सिलेबस देखिए, इसमें अगर आप सिर्फ जीएस का पढ़ते हैं, GS1, GS2, GS3 और हिंदी और इंग्लिश का होता है 200 200 मार्क्स का, तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा अगर इसमें आपको सिर्फ जीएस ही पढ़ना है और जो अदर चीजें हैं वो सब आपको नहीं पढ़नी है। और जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मेनली यहाँ पे जो राजस्थानी कल्चर है, राजस्थानी लैंग्वेजेस हैं, इन पे आपको ज्यादा काम करना है। राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अब लास्ट में ये बात आती है कि जो भी आप इन फ्यूचर आपके जो भी नोटिफिकेशन आएगा ये आपको मिल जाएगा www.rpsc.rajasthan.gov.in पे। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे 12 तारीख से शुरू हो रहा है, आप प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है
जो भी टॉप पोस्ट राजस्थान में सिलेक्शन होता है वो आरपीएससी कराता है, और आरएएस उसमें से टॉप पोस्टों में यहीं से सिलेक्शन होता है। तो आप लोग प्लीज भर दीजिए इसको, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। और एनसीईआरटी का आपका चल ही रहा है सीरीज, और भी अदर सीरीज हम बहुत जल्द लाने वाले हैं जो क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड होगा, और राजस्थान से रिलेटेड भी मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा आगे जैसे ही हम एग्जाम के पास आने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू, आप हमारे चैनल से जुड़िए अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो, और कमेंट करिए आप कोई अगर नई चीज चाहते हैं तो। धन्यवाद, थैंक यू, विल मीट यू वेरी सून।